हसन अली ने इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था 2017 में लेकिन इस बार हसन अली उस तरह हसन अली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके पाकिस्तान में तो चलो ज़ाहिर लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं मैच के साथ तो लोग मीम्स बना रहे हैं हसन अली के खिलाफ के खिलाफ या मजाक उड़ा रहे हैं जो भी लेकिन जो भारत है भारत तो पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहा है हसन अली के खिलाफ उनको शिया मुसलमान होने पर फ़िरका वाराना फसदा फैलाने के ऊपर वो इस तरह की बातें करें कि उनकी शादी चूंकि इंडियन लड़की के साथ हुई है तो इसलिए पाकिस्तानी जो इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस तरह चीजें बहुत ज्यादा भारत कर रहा है खैर भारत तो अपना कोई मौका जो है वो नहीं छोड़ेगा जो आपके खिलाफ जाता हो देखें ये मैच जो है आप तसलस से जीत तो रहे भी हैं भी भी। इंडिया को जिस तरह से हराया उस दिन के लिए शेख रशीद ने कहा था मेरे लिए वर्ल्ड कप हो गया और हम सब और, और सब लोग यही समझ रहे थे लेकिन जिस जगह पर हसन ने कैच छोड़ा है तनकीद मैंने भी की है और सोशल मीडिया पर ही की है मैंने मैं इस और अपनी तनकीद को मैं वापस भी नहीं लेता गलत भी नहीं समझता उन्होंने उससे पहले कहा जा रहा था कि इनकी कारकर्दगी जो है वो सवाल या निशान है तो टीम पर आपके पास वो जो आप इस्कॉड लाए थे वो भी मौजूद था और जो इस्कॉड आपके उसके अलावा जो लोग आपके ज़ख्मी होने की सूरत में जिन लोगों को आपने लेना था वो लोग भी मौजूद थे तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते थे अगर कारकर्दगी ठीक नहीं जा रही थी तो आपको चेंज कर लेना चाहिए था इसमें कोई बुराई की बात नहीं थी हसन अली की कारकर्दगी सवाल निशान इस सेमीफाइनल से पहले बन चुकी थी हम जब ये सेमीफाइनल होने वाला था उससे पहले हम इस खतरे का इजहार कर चुके थे कि हसन हसन अली की वजह से कोई आ, आ, बड़ा अपसेट हो सकता है और अपसेट उसी की वजह से हुआ है आ, अच्छा हसन ने चैम्पियन ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी थी तो हमने सलाम पेश किया आस अपने आंखें बिछाई थीं इस दफ्तर में हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे हसन अच्छा। अली हमारे साथ बैठे थे हसन अली थे फ़खर्जमान थे हफीज़ थे आप जो है वो अपना सरफराज थे सारी टीम आई थी और हमने उनको वेलकम किया था हमने उनको बहुत इज़्ज़त दी थी और वो इज़्ज़त के काबिल थे उन जम कर और डट कर ये इस ऐसे मुकाबले में जहाँ पर हमने हमारी बैटिंग लाइन जो है वो फेल नहीं हुई उन्होंने उनने जो है वो खासा और उसके बावजूद के मौसम हक में नहीं था इसके बावजूद के शबनम पड़ रही थी उसके बावजूद उन्होंने एक लंबा टारगेट लिया है अब इसको रोकना जो है वो तो फील्डर का हमारा सबरा मसला फील्डर का है हम ले आते हैं बॉलिंग के लिए बेहतरीन कोच ले आते हैं हम बैट्समैन के लिए बेहतरीन भाई फील्डिंग खुदा के वास्ते पाकिस्तान की सबसे कमज़ोरी बड़ी कमज़ोरी जो है फील्डिंग की है हम फील्डिंग में नहीं हवा में उड़ते हुए जाकर कैच लेते इनके हाथ से छूट गया तो तनकीदा भी आता है तनकीद भी होती है और इस तनकीद के बारे में जो कुछ कहा है हमारे कप्तान साहब ने वो कम वो बड़े दिल के हैं बाबर आजम हालांकि सदवा उन्हें भी हुआ है इसलिए कि वो तो जीतते चले जा रहे थे पर आगे तो हलवा रखा हुआ था न्यूजीलैंड को अभी आप हरा कर आए थे न्यूजीलैंड को हराना तो कोई मसला ही नहीं था ये आपके सामने आ चुका था कि फाइनल जो है आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है और इंग्लैंड अपना ऑस्ट्रेलिया को टीम ऑस्ट्रेलिया को तो इंग्लैंड ने जो है वो भुड़कस निकाल दिया था उसके बाद जनूबी अफ्रीका ने के साथ उनके साथ यही हुआ और जनूबी अफ्रीका को तो सर्विस की मार पड़ी कि मार्जिन में उसके नंबर वो कम थे उसके रन जो है उनकी रेट्स कम थे वरना ये इसमें सेमीफाइनल में तो साउथ अफ्रीका को आना चाहिए था इंग्लैंड आ गया आप इंग्लैंड तो आपके लिए बहुत आसान हदफ था तो ऑस्ट्रेलिया आ, इस्ट्रे, आ गया ऑस्ट्रेलिया आसान हदफ था आप ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आ, बिल्कुल आ, लिटा सकते थे लेकिन देखें गलतियां जो होती हैं ना एक एक गलती भी वो आपके लिए और आखिर में शाहन अफ्रिदीन ने जिस तरह छक्के दिए छक्के नहीं उनकी बॉलिंग में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग इस तरह जारहाना तौर पर खेल सकते हैं और मिथ्यूस को हमें कहना चाहिए कि उसने एक एक बॉलर एक बैट्समैन का सबूत दिया कि जिस तरह जम कर उसने बैट्समैन की और आ, वो हमारा उससे पहले जो हम अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे चार चौके न लगते तो हम तो अफ़गानिस्तान से भी ढेर हो चुके थे ना तो हमारे जिस तरह से उनने हमारे खिलाड़ी ने किया था इस तरह से यहाँ पर भी अगर गैर जिम्मेदारी होगी अगर उनका जहन बटा हुआ था अगर वो कारदगी नहीं दिखा पा रहे थे अगर किसी मसले का शिकार थे तो ये टीम मैनेजमेंट को ये से फैसला करना चाहिए था कि उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता आपके पास और खिलाड़ी बैठे हुए थे उनको नहीं आता लेकिन मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे हैं पसंद करें सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ हो रही है क्योंकि मैच से पहले दो दिन वो आई में रहे नहीं देखें जिस तरह से वो अस्पताल में था और जिस तरह से वो अस्पताल में हमने उसको देखा है जिस तरह से Just उसके सीने पर मशीनें लगी हुई थीं और बिल्कुल, जिस तरह से उसको देखा नहीं जा सकता था हाँ। इस हालत से निकल कर वहाँ आना और वहाँ पर खेलना रिजवान ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है वो वाकई ऐसा है कि उसे खराज तहसीन पेश किया जाए वो बहुत बड़ा प्लेयर होकर और विकेट के पीछे खड़े होकर भी उसने कमाल किया और उसने अपनी तरफ से जो है वो गेंद को निकलने दिया बॉल को नहीं निकलने दिया और उसने जम कर खेला और और उन्होंने ठीक खेला लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हसन लीग के साथ किसी की भी जाति वो नहीं है हाँ इस बुनियाद पर निशाना बनाना है कि वो फलां अब को मानने वाला है और उसकी बीवी फुलाए ये तो बहुत ही शर्मनाक और घटिया बात है इससे ज्यादा घटिया बात हो ही नहीं सकती पूरा जो प्रोपेगेंडा है ये भारत की तरफ से किया जा रहा है और उन्हीं के जो ट्विटर हैंडल उन्होंने जो अकाउंट्स बनाए उनसे ही किया जा रहा है इवन जो हसन अली की वाइफ है सामिया उनका एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया और उधर से ट्वीट्स की जा रही हैं कि सामिया जैसे लग रहा है कि सामिया कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही हैं और अगर इसी तरह की धमकियाँ मिली तो हम भारत में ही रहेंगे और हम वापस नहीं आएंगे उन्होंने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने कहा है मेरा तो कोई ट्विटर अकाउंट ही नहीं है और हमें तो कोई धमकियाँ नहीं मिल रही पाकिस्तान से ये सारा जो प्रोपेगेंडा है वो भारत कर रहा है नहीं नहीं वो तो सही है मैं कहता हूँ कि इस बुनियाद पर भारत तो मैंने कहा ना कि वो कोई मौका जाय नहीं करता है अगर आपको कहीं भी लेट डाउन करना है झूठ मकर परेब घटिया कस्म के हरबे ये तो इंडिया का एक एक वतीरा है वो हमेशा इसी तरह करता है और जब ये झूठों मकारों अयारों बदमाशों गुंडों दहशत का सरबरा मोदी मुल्क पर हुक्मरान है तो उसमें तो ऐसे ही होगा लेकिन हमारे अपने लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए ऐसी ऐसे डल्टी गेम में जिसमें किसी के मसलक को निशाना बनाया गया हो जिसमें किसी के अजवाजी रिश्ते को निशाना बनाया गया हो हमें उससे गुरेज करना चाहिए वो हमारे लिए बच्चों की तरह हैं और उनकी अहलिया और हमारे लिए बिल्कुल हम, काबिल एहतराम है हम उनकी इज्जत करते हैं असनली इज़्ज़त करते हैं हमारा एक बहुत बड़ा असासा है बहुत बड़ा और वो बहरहाल हम आउट हो गए हम नहीं पहुँच सके फाइनल में हम नहीं खेल सके फाइनल में उसके बावजूद हसन अली एक बड़ा स्टार है और बड़ा स्टार रहेगा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रहना जाए